Hey guys, this is Shahzadur Rasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to create slides logo opener animation in Adobe After Effects like this. सो वी आर इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड ये मेरे पास 30 फोटोज हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज करेंगे एंड यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ योर फोटोज एज यू लाइक एनी वे एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन एंड द नेम इज मेन कंपोजिशन 1920x1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स ड्यूरेशन एंड देन ओके क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड द नेम इज फोटो वन 900x900 साइज बाकी सेम सेटिंग्स एंड देन ओके फोटो वन में हम अपना फर्स्ट फोटो ड्रॉप करेंगे फोटोज के फोल्डर से एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए और स्केल आप सेट करेंगे स्क्रीन पर लाइक दिस प्रोजेक्ट पैनल में फोटो वन कंपोजिशन को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना है 30 टाइम्स फोटो टू कंपोजिशन को ओपन करना है फोटो वन को सिलेक्ट करना है फोटोज के फोल्डर से अपना सेकंड इमेज उठाना है आल्ट को प्रेस करके होल्ड करना है और इस इमेज के ऊपर ड्रॉप कर देना है इमेज आपका रिप्लेस हो जाएगा उसको भी आपने स्क्रीन पर सेट करना है एस प्रेस करना है स्केल के लिए स्केल सेट करना है ओके यहाँ से वीडियो को मैं फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सिंपल स्टेप है आप इजीली फॉलो कर लेंगे सेम इसी स्टेप के साथ सभी फोटोज को आपने चेंज करना है और स्क्रीन पर सेट कर लेना है सो गाइस सभी फोटोज फोटो कंपोजिशंस में सेट हो चुकी हैं एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे और इस टाइम पे नेम फ्रेम गोइंग टू 900x900 एंड सेम सेटिंग्स एंड देन ओके रेक्टेंगल टूल लेंगे स्ट्रोक जीरो फिल सॉलिड कलर व्हाइट एंड रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे और एक परफेक्ट रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे शेप का नेम मैं चेंज करके बैक लिख रहा हूँ शेप लेयर को एक्सपेंड करना है कॉन्टेंट रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल पाथ वन और राउंडनेस 40 कर देना है राइट क्लिक करना है लेयर स्टाइल एंड आउटर ग्लो लेंगे अगेन राइट क्लिक लेयर स्टाइल एंड इनर ग्लो अगेन राइट क्लिक लेयर स्टाइल एंड बेवल एंड एम्बॉस लेंगे सो वी आर चेंज टू फ्यू सेटिंग्स लाइक दिस लेयर स्टाइल ओपन करना है आउटर ग्लो ओपन करना है ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करेंगे ओपेसिटी 25% कलर समथिंग लाइक दिस साइज 10 रेंज 100% आफ्टर कंप्लीट द आउटर ग्लो सेटिंग ओपन इनर ग्लो सेटिंग यहाँ पर भी ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई ओपेसिटी 50% कलर सेम वही लेना है जो हमने आउटर ग्लो में लिया है बेवल एंड एम्बॉस का सेटिंग ओपन करेंगे सॉफ्टन 5 इसी शेप को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे नेम चेंज करेंगे और नेम मास्क ओपन करेंगे कंटेंट रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल पाथ वन साइज के सामने कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के आइकॉन को डिसेबल कर देंगे और साइज विड्थ 700 एंड हाइट 500 तो देख रहे हैं ये सेंटर में आ चुका है ओके लेयर स्टाइल ओपन करेंगे आपने इनर ग्लो एंड बेवल एंड एम्बॉस दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ एंड डल कर देना है डिलीट बटन से बैक शेप का ट्रैक मैट अल्फा इन्वर्टेड मैट कर देना ट्रैक मैट का ऑप्शन अगर नहीं है तो फुटर में टॉगल स्विचेस मोड का ऑप्शन है यहाँ से आप ले सकते हैं या F4 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से या बार में राइट क्लिक करके कॉलम एंड यहाँ से आप ले सकते हैं तो टॉगल ट्रांसपेरेंसी आप ऑफ करके देख सकते हैं कि ये सेंटर जो है इसका खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इसे अल्फा इन्वर्टेड कर दिया कंट्रोल आर प्रेस करेंगे रूलर्स शो होंगे और फर्स्ट लाइन 100 पर लगाएंगे सेकंड 800 पिक्सल्स पर थर्ड अगेन 100 विड्थ पर एंड लास्ट 800 विड्थ पर एलिप्स टूल लेंगे कलर थोड़ा सा चेंज कर लें लाइक दिस जूम इन कर लें और इन दोनों लाइन के सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करना है कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके आप सर्कल बनाएंगे लाइक दिस एंकर पॉइंट सेंटर कर लें कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे एंड शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करना है और इस कॉर्नर पर लाकर इसको रखना है अगेन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड इस टाइम पे आप शिफ्ट को प्रेस करके एरो कीज भी यूज कर सकते हैं इस टाइम पे आपने इनको नीचे सेट करना है लाइक यहाँ पर चारों सर्कल शेप्स का लेबल कलर चेंज कर देंगे हमें पता रहेगा कि ये सेपरेट है उसके बाद टेक्स्ट टूल लेंगे सिंपली क्लिक करेंगे और आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे मैंने सिंपली टेक्स्ट वन लिखा है और इसमें फॉन्ट में बिग नोडल टाइटलिंग यूज कर रहा हूँ फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से आप इसको सेट करेंगे फ्रेम पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे एंड कलर समथिंग लाइक दिस ग्रे टाइप ओके उसके बाद वन मोर कंपोजिशन एंड इस टाइम का नेम स्लाइड वन
स्लाइड वन कंपोजिशन में फोटो वन कंपोजिशन को ड्रॉ करना है, देन फ्रेम कंपोजिशन, फोटो वन कंपोजिशन पर एस प्रेस करना है और स्केल 85। प्रोजेक्ट पैनल में स्लाइड वन कंपोजिशन को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे, एंड स्लाइड टू कंपोजिशन में फोटो वन कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है और फोटो टू कंपोजिशन के साथ आल्ट को प्रेस करके रिप्लेस कर देना है। इसी तरह से आपने स्लाइड कंपोजिशन डुप्लीकेट करते जाना है और नेक्स्ट फोटो कंपोजिशन के साथ रिप्लेस करते जाना है। मैंने अगेन यहाँ से वीडियो को फास्ट इसलिए किया है कि ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। ओके, सभी फोटो कंपोजिशंस स्लाइड कंपोजिशंस में रिप्लेस हो चुकी हैं। सभी स्लाइड्स में टेक्स्ट वन लिखा नजर आएगा, बिकॉज ट्यूटोरियल ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने टेक्स्ट को सेम ही रहने दिया, बिकॉज मकसद है आपको कंसेप्ट समझाना। यहाँ पे वन मोर कंपोजिशन एंड इस टाइम पे नेम लोगो कॉम्प 1920x1080 एंड देन ओके। राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, या आप कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। सॉलिड का नेम बीजी, सिंपली व्हाइट कलर ले रहा हूँ मैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे सॉलिड लेयर पर और मैं कुछ इस तरह का कलर ले रहा हूँ, लाइक दिस। यू आर फ्री टू यूज एनी कलर एज यू लाइक। आप अपना लोगो सेट करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ओके, नाउ मेन कंपोजिशन में आएंगे, एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, नेम बीजी, सिंपल व्हाइट कलर, फिल अप्लाई करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट से और फिल में कलर समथिंग लाइक दिस। ओके, सभी स्लाइड कंपोजिशंस को आपने सेलेक्ट करना है और बीजी लेयर के ऊपर ड्रॉप करना है, सभी को 3D करना है, सभी का मोशन ब्लर एक्टिव करना है। अभी हम इनको स्टेप बाय स्टेप सेट करेंगे। आप कैमरा को 2 व्यूज हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए, स्केल 70% और कैमरा के पीछे ले जाएंगे लाइक दिस, और एक्स एंड वाई पोजिशन भी सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करना है, एस प्रेस करना है स्केल के लिए और स्केल आपने डिफरेंटली सेट करते जाना है। उसके बाद कैमरा के पीछे ले जाना है, इस तरह से सेट करना है कि हमें पूरी स्क्रीन पर 30 फोटो सेट करनी है, या जितनी भी आपके पास स्लाइड्स हैं वो सभी सेट करने हैं हमने यहाँ पर। ओके, अगेन नेक्स्ट स्लाइड, एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए, इस टाइम पे स्केल 75% और सेम वही स्टेप है, कैमरा के पीछे लेकर जाना है और उसको प्लेस करना है। कैमरा के ये राइट साइड वाले व्यू में आप इसको साथ साथ देख सकते हैं। ओके, यहाँ से वीडियो को अगेन मैंने फास्ट किया है क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आप इसको इजीली फॉलो कर लेंगे। सो गाइज, इस तरह से आपने सभी फोटोज को सेट कर लेना है। आई नो ये काफी मेहनत का काम है, बट स्टेप बाय स्टेप आपने सभी फोटोज को सेट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है और एक न्यू कैमरा क्रिएट करना है। 35mm का कैमरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद अगेन राइट क्लिक एंड एक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नल ऑब्जेक्ट में मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, कैमरा पोजिशन नेम लिख रहा हूँ मैं। लेयर को 3D करेंगे, कैमरा को इसका पेरेंट कर देना है आपने सिंपली। कैमरा लेयर पर P प्रेस करेंगे, राइट साइड का पोजीशन आप प्लस करेंगे। ओके, अगेन अगर आपको कोई लगे कि सेटिंग आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर अगेन चेंज कर लेंगे सेटिंग लाइक दिस। अगेन राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू लाइट क्रिएट करेंगे, पॉइंट लाइट लेंगे आप व्हाइट कलर में ही, देन ओके। पॉइंट लाइट लेयर को एक्सपेंड करना है, ट्रांसफॉर्म ओपन करना है। ट्यूटोरियल लंबा ना हो इसलिए मैंने आप पोजीशंस आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक्स 1400, वाई 500 एंड जी -4500। लाइट ऑप्शंस को आपने ओपन करना है और ये आप देख लें, यही आपके सेम सेटिंग होनी चाहिए। कास्ट शेडोज को हम ऑन कर लेंगे। अगेन राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। एडजस्टमेंट लेयर का नेम मैं यहाँ पर CC कर रहा हूँ। CC लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से गॉसियन ब्लर लेगेसी अप्लाई करेंगे। गॉसियन ब्लर लेगेसी अगर आपके सर्च नहीं हो रहा तो फास्ट ब्लर लेगेसी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ब्लरीनेस की वैल्यू 150 कर देंगे। मोड यहाँ से नॉर्मल 2 ऐड कर देंगे। टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी के लिए एंड ओपेसिटी 30%। अगेन राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे। इस टाइम पे भी नेम मैं CC कर रहा हूँ। लेबल कलर चेंज कर लें इफ यू नीड। और इस CC लेयर पर हम इफेक्ट एंड प्रीसेट से लेवल्स अप्लाई करेंगे एंड लेवल्स समथिंग लाइक दिस। उसके बाद इस CC लेयर पर हम कर्व्स अप्लाई करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट से और RGB लाइन का शेप समथिंग लाइक दिस। ओके, एक न्यू सॉलिड लेयर बनाएंगे। इस टाइम पे नेम विंटेज, ब्लैक कलर लेना है आपने सॉलिड के लिए एंड देन ओके।
विंटेज लेयर को सिलेक्टेड रहने देना है और एलिप्स टूल पर डबल क्लिक करना है। एक मास्क क्रिएट होगा, लेयर को एक्सपेंड करना है, मास्क वन इन्वर्टेड पर चेक लगाना है और मास्क फैदर 500 और मास्क एक्सपेंशन 200। तरह से एक मास्क क्रिएट होगा, गेन वन मोर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, रीनेम लेयर एंड नेम चेंज टू सीसी, एंड इस टाइम पे हम अफेक्टेड प्रीसेट से अप्लाई करेंगे वाइब्रेंस, वाइब्रेंस का वैल्यू 30, सैचुरेशन का वैल्यू 10। अगेन सीसी लेयर पर अफेक्टेड प्रीसेट से ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद अफेक्टेड प्रीसेट से ऑप्टिक्स कॉम्पनसेशन अप्लाई करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू 12, रिजर्व लेंस डिस्टेंस पर चेक लगाना है। ओके, अगेन वन मोर न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड अगेन नेम चेंज टू सीसी, एंड इस टाइम पे अप्लाई गॉसियन ब्लर लेगेसी, ब्लरीनेस का वैल्यू 0.3 एंड देन अप्लाई शार्पन वैल्यू 25, अगेन अफेक्टेड प्रीसेट से अप्लाई वाइब्रेंस, वाइब्रेंस 32, सैचुरेशन 6। कैमरा पोजीशन लेयर पर पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, 4 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम एंड 0 ड्यूरेशन पर जी पोजीशन को प्लस करना है और कैमरा क्लोजर करना लाइक दिस। ओके, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक की फ्रेम स्टैंड एंड इजी ईज, ग्राफ एडिटर में आना है, ग्राफ एडिटर का लुक अगर इस तरह से नहीं है, राइट क्लिक करके आप एडिट स्पीड ग्राफ सिलेक्ट करेंगे, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और की फ्रेम मूव्स लिटिल चेंज करना लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। ओके, इट्स परफेक्ट। ओके, सिलेक्ट स्लाइड वन एंड अप्लाई फ्रॉम द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट ड्रॉप शैडो, ओपेसिटी 75%, डिस्टेंस 7 एंड सॉफ्टनेस 150%। ड्रॉप शैडो को कंट्रोल सी से कॉपी करना है और बाकी की सभी स्लाइड्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है ड्रॉप शैडो को। सभी आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट लुक जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद कैमरा लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, 4 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम देंगे एंड 10 सेकंड ड्यूरेशन पर जी पोजीशन को लिटिल प्लस करना है लाइक दिस। प्रोजेक्ट पैनल से लोगो कॉम्प को कैमरा लेयर के नीचे ड्रॉप करना है, 8 सेकंड पर ड्रॉप करेंगे और लेबल कलर चेंज कर लें। टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी के लिए, ओपेसिटी पर की फ्रेम, ओपेसिटी 0% एंड 15 फ्रेम पर ओपेसिटी 100%। अगेन एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे प्योर वाइट एंड नेम इन सॉलिड पर टी प्रेस करेंगे, 0 ड्यूरेशन पर ओपेसिटी पर की फ्रेम, 10 फ्रेम ड्यूरेशन पर ओपेसिटी 0%। सॉलिड लेयर को अगर आप चाहें तो यहाँ से कट कर लें। ओके, इस एनिमेशन का प्रोजेक्ट फाइल एज इट इज़ आपको मिल जाएगा फर्स्ट लिंक के डिस्क्रिप्शन में, फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सेम यूज़ करना चाहें। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगबान।